lecture is already started दिखाई दे रहा जी sir ji ha oh thank you that's a great uh, is it enough or should I have to magnify magnify kar den to acha rahega sir okay sir jaisa yes, aapka aadesh right ha ah, that is better I jo hai i just given that topic as pratyaksha gyan margna adhikar प्रत्यक्ष क्यान में सब विला बावती, विच इस कंटिन्यूइंग इट मन पर्यक्षण और केवल एक जान, सो टुडे वेर बिकेबिंग यह संपूर्ण हो जाएगा क्यान मध्य और क्यान महामार्गनामध्य महादिका सिद्धम् सुद्धम् पानमिकजिन इंद्रबरने मिचन्तम् मकालंकम् उन्हरण्य रायेनबुषु नित्यम् ये वस्पर्वु वनम् वोचम So, पिछली बार कुछ स्लाइड्स रह गए थे आई जस्ट वॉन्ट बिकॉज स्पेशली अनिल भाई साहब ने कहा आपके नेक्स्ट टाइम ले लेंगे सो so, कि एक क्षेत्र का अवधि ज्ञान मीस उसकी एक क्षेत्र में ही उसका अवधि ज्ञान प्रकट होता है जो करण रूप से और देन अनेक क्षेत्र मींस अनेक क्षेत्र एक मिनट में रहता है

छिन्न होते हैं श्रीवस्त सादिया और नंदावर्त आदि होते हैं इसमें पता नहीं कितना वो क्षेत्र होगा इसके बारे में हमें महापुराण में देखना होगा और पिछली बार मैं कह रहा था कि जो इनकी जो अवधिकांड का क्षेत्र शरीर में नाभिक ऊपर ही होता है और ऐसे नियम है कि ये शुभ है अशुभ शुभ अवधिक्ञान जो है नादी के नाभि के क्षेत्र के ऊपर ही होते हैं और अधिक so, के नीचे होने में त्रं मनुष्य में आप जानते हैं देव नारके में सर्वांग होते हैं तीर्थं का सर्वांग होते हैं और त्रिंच मनुष्य में विभंग ज्ञान के बारे में कुछ दो ओपिनियन है सो so, मनुष्य विभंग के नाभि से नीचे गिर आदि अशुभ संस्थान होते हैं ऐसे गुरु का उपदेश है इसका कोई सूत्र हमें मिला नहीं ये धवला में वीरसेना स्वामी ने मेंशन किया सो ऐसे सेट चिन्हों का आकार नियत नहीं है इट कंट भी वेरिएबल दैट अगेन धवला में बी गेट द रेफरेंस तो ये ऑलरेडी कह दिया है नार की देव और तीर्तन को छोड़ के श्रेष्ठ जीव शरीर के एक देश से जानते हैं इस प्रकार का यहाँ नियम नहीं करना चाहिए क्योंकि परम आप ऐसा नहीं कहना चाहिए वो ये कह रहे हैं कि देशावधि को तो कुछ ही क्षेत्र में जानते नहीं कह सकते क्योंकि परमावधि ज्ञानी या सर्वाधि ज्ञानी गणधराधि परमेश्वरों का सभी अवयों में अवधि ज्ञान का स्थान हो सकता है ऐसा करके दबला में बहुत अनेक अनेक बातों को दबला में आ, मेंशन किया हुआ है आई जस्ट मेंशन लास्ट टाइम दिस एन इम्पॉर्टेंट पिछले भी आई हैड अ लेक्चर इन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी देयर वाज अ गुड क्वेश्चन अवधि ज्ञान की देशावधि देश खादी क्यों कहते हैं सर्व खादी क्यों नहीं है मैंने कहा सर्व खादी होता तो हम लोग को ये पता नहीं होगा कितना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं तो so इसलिए ज्ञान अवधि ज्ञान वाला देशावधि देश खादि होते हैं और ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया गया धबला में कर्मों के असंख्यात असंख्या रूप से निजरा होती है कि किसके प्रत्यक्ष देखा किसने देखा ही। जब स्वाध्याय करने से तपस्या करने में असंख्या श्रेणी निजरा होती है इसको देखा ये बात अवधि ज्ञानी और मनोपरिज्ञानियों के प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होती है

एक शाम uh, को उनका शरीर में डालकर आ जाते हैं आप लोग गत, कथा को मे बी यू कैन इवन राइट इन अकेडमी वेरी गुड वहां इज फ्रॉम दैट लेवल सो आई दैट मुनि मारा बिकॉज ऑफ दर्ग उपसर्ग रात भर सहन करके वो मनो परिज्ञानी हो जाते हैं और श्रेणी दूर से खड़े होके सोचता है मेरे मन में जो चल रहा है उसको बता देंगे तो मैं इनको मान लूंगा गुरु मान लूंगा ऐसे ही वो कहते हैं भाई तुम्हारे है, आप अपने उस एनिमी को जीत लेंगे एक सर्था, एक सर्था, वो कहते हैं आप आके ये न्यू लीफ फ्रॉम देयर वन स्टोरी इज जो इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण वेन ए भगवान ऋषभ देव महावीर के समोषण जाने में विदिन दिनों वन नून में ही उनके जो अवधि ज्ञान हो जाता है और सप्त तो ऋषि संपन्न हो जाते हैं सो दिस इज अनदर महात्म्य तीर्थंकर के सन्निधि में ये प्रभावना बहुत होती है ये दोनों को कभी आप लोग बहुत सारे स्टोरी हैं बट ऐसे ही ये लोग अवधि ज्ञान मनोपरिज्ञानी सभी का रूप से जीवों का हेल्प करते उपकार करते रहते हैं नाउ वी विल कम टू द मनपरिय कैन परवना मनपरयोग का सामान्य लक्षण चिन्तेयम अचिन्तेयम वा आत्म चिन्तेयम अनेय बेयगयम मनपच्छवंती उच्चई जम जानहि तम कु नरलोये ये, so, ये गाथा में बड़े सुंदर कह रहे हैं मनपरिय ज्ञान पर्व पर दूसरे से दूसरे मन में जो चिंतावन होता है क्या आगे जाके चिंतन मन में आएगा या पीछे चिंतन किया गया है इस तो सारे को मनोपरिज्ञानी देख लेते हैं और ये उनके मन परिज्ञान का क्षेत्र है सीमा है नरल ये मनुष्य मानुषोत्र पर्वत तक तो वर्टिकल अरिजॉन्टली और मेरु पर्वत का उच्च तक जो चाली से पांड कुशला तक ही उनका ये मन की सीमा है अनलाइक अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान के लोग पूरा हो जाता है परमावधि सर्वावधि में ये मे यानी कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो ज्ञान नरलोक के भीतर ही जानता है वह मन परिज्ञान है यानी कि तीनों कालों के हिसाब से जानना ये कैसे होता है मन परिवार ज्ञानावरण कर्म के चायुग समाधि रूप सामग्री के निमित्त से पर किया मनोगतार्त को जानते हैं यह है मनु मनपर्य क्या ज्ञानावरण प्लस वीर्यांतर आए ये दोनों के ऊपर शमशायुग समोन से ये ये संयम से उनका मनपर्य क्या होता प्रति हो जाते हैं सो इधर साथ में नहीं रेफरेंसेस वी कैन ऑलवेज रेफर नाउ इफ वी सी

टू पार्ट्स, एक रिजुमती दूसरा विपुलमती। सो विपुल मतीज थ्री पार्ट्स, दैट इज टू से रिजुमती कैन रीड अदर्स माइंड वचन एंड काय। यानी कि ये जरूर नहीं है सामने होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है वचन तो सुना ही दे रहा है वट इज दैट ज्ञान ऐसा नहीं कि ये जो है रिमोटली जो कोई प्रश्न पूछा जाए वो रिमोटली दे वो कितना दूर भी हो उसके ये दे कैन रीड दी मनोवर्गना भाषा वर्गना एंड काय वर्गना दे रीड दो फ्रीक्वेंसीज दैट वेव्स एंड दे आर एबल टू डू दैट इज रिजुमती का ये रिजुमती में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरल होना चाहिए जिसका हम पूछ रहे हैं दैट दैट पर्सन शुड बी सरल स्वभाव का हो कुटिल स्वभाव का वक्र स्वभाव का तो रिजुमती नहीं कर पाएगा बट विपुल्थों को विषय करने के अपेक्षा तीन बेद हमने कहा और दैट इज ऋजु उसका सीधा साधा सरल स्वभाव और uh, कुटिल मन वचन काय के द्वारा के हुए पर मनोगत पदार्थों को विषय करने के अपेक्षा तीन वेद so, दोनों विपुल मत इतना विपुल्युम इतना सामर्थ्य है वो दोनों का भी वो देख लेते हैं वो ये मन पलट रहा है फिर भी वो देख लेते हैं रिचिमती तथा विपुलमति मन विषय शब्द तथा आर्थगत दोनों ही प्रकार के होते हैं इज टू से दे कैन जो वेवस ऑफ द साउंड एज वेल एज वर्गना भाषा वर्गना वर्गना एंड आधा वर्गना का रूप से समझ लेते हैं यहाँ पर द्रव्य मन होता है उस स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश हैं वहीं मनो परिज्ञान कर्म का होता, होता है और वहीं से मन परिज्ञान उत्पन्न होता है सो आईबल फर्स्ट लाइन पढ़ना नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दी वेदर क्लोज गिव मी सॉरी

इस द्रव्यमन की मन होने पर ही भावमन तथा पर परिक्ञान उत्पन्न होता है ऋषि महाराज का माइंड तो होता ही है अंगोपांग नाम कर्म का उदय से मनोवर्गना के स्कंतों के द्वारा हृदय स्थान में नियम से नियम से विकसित आठ पंगुड़ के कमल के आकार में द्रव्यमन उत्पन्न होता है सो so, द्रव्य मन का लक्षण है ये इट के बेट but बट uh, there are views that it is मूवबल but according to ये जो दबला जैसा ग्रंथों में द्रव्यमन जो है इट इज सुपर इम्पोज ऑन अवर हार्ट और उसके शेप है कमल का शेप है आठ पंक, पंकु के कमल का आकार ओके okay? द्रव्यमन है वीरियातराय नो इंद्रियावरण आवरण अभेक्षया आत्मनो विशु भावमन इज मन वीर नो इंद्रिय आवरण दोनों को चयोत्सम होना है तब का, आत्मा विशुद्धि होता है तब भाव मन शुरू होता है द्रव्यमन होने के बाद कितने लोग आर नॉट एबल टू यूज द मन माइंड को एस अ कैपेसिटी ऑफ एनालिटिक्स कर नहीं पाते बिकॉज भाव मन का थोड़ा डिफिट है तत्र भावमनो ज्ञानम दैट भावमन इज दैट रिप्रेजेंटिंग एज द ज्ञान तस्य जीव गुणत्वात् आत्मनि अंतर अंत सो so जीव गुण से ज्ञान जीव गुण से तात् आत्मा के सो माइंड इज द वन दैट व्हिच इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर अस टू रिफ्लेक्ट आवर उपयोग ज्ञान उपयोग करता भावमनस्तावत् लब्धे उपयोगो लक्षणम् दैट भावमन इज स्वामी कौन हैनुष्य में होगा देव मे होता नारक मनुष्य भाव में मनपरी ज्ञानी होते हैं कौन है वो So, कारण जीव के, के अंतरंग परिणामों में प्रतिक्षण होने वाले उतार चढ़ाव का नाम गुणस्थान है ओके दैट इज व्हाट मोह और योग उत्कृष्ट मलिन परिणामों से लेकर उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों तक तथा उससे ऊपर जघन्य वीतरा परिणाम से लेकर उत्कृष्ट भी परिणाम तक के अनंतों वृद्धियों के क्रम को वक्तव्य बनाने के लिए टू मेक इट फंक्शनल टू मेक इट एक्सप्रेसिव उनको चौदह श्रेणी में विभाजित किया जाता है बिकॉज़ अनंत है बट दैट इज बिन कैटेगरी टू 14 क्लासिफिकेशन साधक अपने अंतरंग प्रबल पुरुषार्थ द्वारा अपने परिणामों को चढ़ाता है जिसके कारण कर्मों व संस्कारों का उपशम क्षय सम होता हुआ अंत में जाकर संपूर्ण कर्मों को क्षय हो जाता है वही उसकी मोक्ष है so, सो so, ये जो कुछ कंडीशन है मन परिज्ञान के उत्पत्ति का प्रमत्तादी चीन कक्षाएं पर्यंत सात गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान वाले वाले होना चाहिए नंबर वन इस पर भी सात वृद्धियों में से किसी एक रीति को धारण करने वाला होगा रीति प्राप्त में भी वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्र को धारण करने वाले के ही ये माने परिज्ञान उत्पन्न होता थ्री तो तो कंडीशन वन इज सेट एस टू बी महाव्रति एंड ई शुड ऑल्सो बी प्राम गुणस्थान तक वो अगले स्लाइड में देखेंगे और सात वृद्धियों में से एक वृद्धि होना जरूरी और जब मन परिज्ञान होते वक्त तो उसका वर्धमान चारित्र होना चाहिए चारित्र में हियमान नहीं वर्धमान होना चाहिए देखिए सो महाव्रति होना चाहिए सात गुणस्थान उन्होंने बताया और एक प्रमत्त संयत अप्रमत्व संयत अपूर्वकरण या अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि समयत अनिवृत्तिकरण या अनिवृत्तिकरण बाद सांप्राय प्रवृष्ट शुद्धि सम्यक सूक्ष्म साम्राय या सूक्ष्म साम्राय प्रविष्ट शुद्धि सम्यक उपशांत कषाय या उपशांत कषाय कर... वितरा चतुष्ट क्षेन कषाय या क्षेन कषाय वितरा चतुष्ट मैंने इसमें जो है ये जो सो कॉल्ड रेड में रखा है दूसरा दी अंत दीपक यानी कि प्रमत्त सम्यक के नीचे वाले पांचों गुणस्थान है इसका इन देंस पुट इट दिस वे इसका ऊपर में प्रमाद प्रमाद नहीं होता है तो ये अंत दीपक है सिमिलरलीप्राय यहाँ तक खत्म होता है दसवां गुणस्थान से ऊपर है सूक्ष्म सांप्राय और खत्म ऊपर शांत कशा एक खत्म होता है और बारवा गुणस्थान में चतमस्त उस ऊपर जो सयोग कैबली अयोग कैबली होते हैं वो चतमस्त नहीं है वो कैवली है और शुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे शुद्धि संयत शुद्धि संयत भाव शुद्धि काय शुद्धि विनय शुद्धि गिर शुद्धि भिक्षा शुद्धि प्रतिष्ठापन शुद्धि शयन शा, आसन शुद्धि और वाक्य शुद्धि आठ प्रकार का शुद्धि में निपुण होते हैं यदा योग्य प्रायचित करके भी अपना शुद्धि को आगे बढ़ाते हैं इसलिए उनको यह कहा गया तो रिद्धि कहा सात रिद्धि में से एक रिद्धि होना जरूरी एक रिद्धि तो ऑलरेडी इनका पास जो बुद्धि रिद्धि आ गया एक रिद्धि आठ तरह का रिद्धि है आम राजवार्तिक आचार्य का बहुत सुंदर वर्णन है तप चरण के प्रभाव से कताचित चित योगी जनों को कुछ चमत्कारित शक्तियां प्राप्त होती जाती हैं, उन्हें रिद्धि कहते हैं इसको अनेक वेद प्रभेद हैं रिद्धि से ऋषि कहला जाता है इनको सो रिद्धि प्राप्त आर्य षिता बुद्धि क्रिया विक्रिया तब है बल औषध रस क्षेत्र भेदात तो वृद्धि इस एट टाइप्स बुद्धि नंबर वन क्रिया विक्रिया थ्री तब फोर बल फाइव औषध सिक्स रस सेवन क्षेत्र आठ तत् बुद्धि रबकमो ज्ञान तत्व अष्टादश पिता बुद्धि इनफैक्ट वांटेड वी कैन हैव डिस्कस सेपरेटली आल्सो एटीन टाइप्स ऑफ बुद्धि पॉसिबली హృదయ కేవల జ్ఞానం అవధి కోనుసారిత్వం సంపన్న సూత్రం దూరాస్వాదన దర్శన స్పర్శన సమర్థత యానికి దూరాస్వాదన స్పర్శనం దూరాస్వాదన దర్శనం దూరాస్పర్శనం దూరాస్ దూరాదాస్వాదన శ్రవణం సమర్థత యానికి बड़ी एक एक योजन दूर से भी वो इनकी रस में इंद्रिय बड़ा स्ट्रांग हो गया दश पूर्वी चतुर्दश ये दोनों पूर्व के ज्ञान चौदह पूर्व में दो ज्ञान अस्ट्रांग महानिमित्ञता प्रज्ञा श्रवण श्रवणत्म प्रत्येक बुद्धता वादित ये अठारह बुद्धि विशेष से ये होता है हम लोगों को भी प्रैक्टिस करना है बीजभूति कोशकभूति वगैरह वी शुड बी प्रैक्टिसिंग वी शुड बी इंप्रूविंग ऑन दैट क्रिया विषया रिद्धि विता क्या-क्या है चारण चारणत्वम आकाशगामित्वम छेदी चारणत्व रिद्धि आकाश में गमन करने की शक्ति तत्र चारणा अनेक विताह जल जङ्खा तंदु पुष्प पत्र श्रेणि अग्नि आयालंबिका हत्या आलम्बन इतना कैपेबल हो जाते हैं क्रिया से ये अपने इतने अगेंस्ट ग्रेविटी दे कैन वॉक ऑन वाटर झंका जंतु पुष्प पत्र अग्निशिका के ऊपर भी चल सकता है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है विक्रिया कोचराहा रुद्र अनेक विता अनिमा महिमा लखीमा गरिमा प्राप्ति प्रागाम्यम् ईषित्वं वचित्वम् अप्रतिकाद् अन्तर्धानं कामरूपत्वम् इति एवम् आदि तपो अतिशय अतिशयार्थसप्तविधाः उक्रतप तीप्त तप्त ब्रह्मचर्यं वेदात् बलालम्बनं हृद्धिर् त्रिविधाः मनोवाकाय वेदात् तत्र मनः श्रुतावरण वीर्यांतरयक्ष बोष सम प्रकशे सति अंतर मुहूर्ते सकल सुदार्त चिंतना एव एव चिंतने अवताता मनोबलेन देखिए इतना अंतर मुहूर्त ज्ञान में सुनते ही और इनके पूरा श्रुता ज्ञान को पारंगत हो जाते हैं मनोजिकवा श्रुत महा महनोजिकवा श्रुत

तो सुतावरण उवरण क्षोभ समाधि सके अंतर्मुर्त सकल उच्चारण समर्था अंतर्मुर्त काल में तो सभी उच्चारण करने में समर्थ हो जाते हैं उच्चारणे सत्य भी श्रम विरगिता श्रम नहीं होता है अहीन घंटा भला भी सूखता नहीं क्योंकि ये मुनि महाराज लोग हैं कि आहार तो एक ही बार कभी कभी लेते हैं इस वजह से वीरांतराय चौक समय आवीर्भूत असाधारण काय बलत्वात् मासिक चातुर्मासिक सात्वांसरिक आदि प्रतिभा योग धारण भी श्रम क्लम क्लश क्लश क्लेश, क्लेश विरगिता आ आविरगिता काय बलेना दैट इज व्हाट इज काइंड kind ऑफ of इट इन्होंने मासोपवासी चातुर्मास उपवासी सांत्वरिक उपवासी एक्सेट्रा बहुत बड़ा प्रतिमा योग धारण करके तब वो करना फिर भी उनका काय बल इतना ज्यादा है औषध रुद्धि अष्टपिता असाध्य मान माना विनिवृत्त हेतु आमर्ष वेल जल मल विषभो मल मल विषभोषति प्राप्त आ प्राप्तस्य, आशा विषय दृश्य विषय विकल्पात यानी कि जितना भी रोग जो असाध्य रोग हो जाए फिर भी इनके जो स्पर्श मात्र से इनके हवा हमारे ऊपर गिन मात्र से हमारे सारे निरोग हो जाते हैं इसकी आठ प्रकार के औषध होता है ऋषि महाराज को रस ऋद्धि प्राप्त षट विद्या हास्य विषा दृष्टि हा। विशा क्षेराश्रविण मध्वाश्रयन सत्श्रवेण अमृताश्रयन क्षेरी सिक्स टाइप्स रसवृद्धि इसके और भी आप पढ़िएगा सो so, भगवान के आज के शरीर से ये सारे ये रिद्धि रस का गिरने लग जाता है सो क्षीराश्रव क्षीर महत्वाश्रणी सर्पिराश्रम है यू नो घी अमृताश्रम करके और सारे रिद्धि अपने आप बॉडी गेट्स कन्वर्टेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड To produce this, it becomes apparatus. Produce that, to produce these things. Actually, that is the reason. Chetra riddhi praptarya dvi vitaha akshina mahanasa akshina mahalaya chedi labantaraya chyobasam prakrshya prapta prapta pyo yedi pyo yetu diade yade tadu bajarana daraskanda varo yedi bunjaditi tat. दिवसे ना अन्न चीयते महानस आह so, मुनि महाराज आहार लेने के बाद उसमें जो जो उस घर पे जो आहार होता महानस हो जाता है पूरा रहे करें चक्रवर्ती के बड़े सेना भी आहार के खड़े हो जाएं वो अमृत पात्र का अक्षय अक्षय पात्र हो जाता है खत्म नहीं हुआ था अक्षय महालय लब्धि प्राप्त यत यो यसंती देव मनुष्य धैर्य परस्पर आबाद माना प्राप्त यानी कि अक्षिण महालय में क्या है जहां पे मुनि महाराज विराजमान है वहां पे मान लिए तीन तरह के देव मनुष्य तेरे सारे वही इकट्ठा भी हो जाए फिर भी उनके जगह में कमी नहीं हो जाता ये करे कमाल का है ये आश्चर्य दिए इसमें शब्द थी क्यों क्योंकि मुनीश्वर का लड़ी मानव परिज्ञान एक बुद्धि रिद्धि से सात रिद्धियों में एक रिद्धि होना जरूरी है ये सर्व औषधो मृत्यु कदा पंच ये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाह कुशला चारणा पंच ज्ञान धरात्रो भी बलीनो हे बुद्धिश्वरा सत सकला मंगलम ये आप लोग जानते हैं मंगलाश्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी जरूर का घनप्रदों का वंदना होता है बीच में कभी भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं बीच में भी मंगलाचरण करना अनिवार्य उन दोनों में मुनि संघ जो है पहाड़ों में गुफा में जंगलों में होते थे उन लोगों की याद करने के लिए ये प्रैक्टिस होता था यस आई वॉन्ट टू पुट वन फ्रॉम दिस से मने पर यह ज्ञान मनुष्यों में उत्पन्न होता है अन्य योनि में नहीं ऑल सी मनुष्यों में भी गर्भजों में ही होता है समूह में नहीं ऐसे एक बोलते जाएंगे रोज इसमें अच्छी तरह से उनका अभ्यास हो जाता है गर्भ जो में भी कर्म भूमि जो के ही होता है अकर्म भूमि जो के में नहीं यानी कि भोग भूमि में ये मन परिज्ञान नहीं होता कर्म भूमि जो में भी पर्याप्तों की होता अपर्याप्त अपरपो के नहीं ये देखा ऐसे बोलते जाएंगे रोज पूरा इनका अभ्यास हो जाता है दे नो दू कैन गेट मन परिज्ञान उनमें भी सम्यक दृष्टि की होता है मिद्या दृष्टि साधन और सम्यक मिद्यादृषियों को नहीं उनमें से भी संयोधन के संयोधन के ही होता है असंयोध का या संयदा संयोध को नहीं संयुदों के भी प्रमत्व से लेके चयन कया कषाय पर्यंत उन स्थान तक होता है जिससे ऊपर नहीं ऊपर नहीं मीन्स क्या हो गया कि संयोग केवल केवल के मन परिज्ञान जरूरत नहीं क्योंकि केवल ज्ञान हो जाता है उनमें भी वर्धमान चरित्र वालों का ही होता है हयमान चरित्र वालों को नहीं उनमें भी सात रिद्धियों में से अन्यतम वृद्धि को प्राप्त होने वाले कई होता है अन्य के नहीं वृद्धि प्राप्तों में भी कई होता है सबको नहीं दिट इज वॉट इम्पॉर्स बिकॉज ये सभी को प्राप्त नहीं हो पाता पड़ीवादि पुनः पढ़मा अपिवाधि वो वो दिव्यू सुधो तो पढ़मो बोहो सुतरो रिचु विपुल मति का कह रहे हैं रिचु मति विशुद्ध है विपुल मति विशुद्ध है इसलिए रिचु मति प्रतिपादी है क्योंकि रिचु मति वा वाला उपशब शव... तथा तो छपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है पर उपशम श्रेणी के अपेक्षा पदन संभव होने से ये प्रतिपाद यानी कि इट कैन स्टॉप इट कैन बी ब्लॉक विपुल मदी सर्वदा अप्रतिपादी है तथा ऋजुमदी शुद्ध है और विपुल मदी इससे भी शुद्ध होता है मन परिज्ञान का विषय क्या है थोड़ा सा इसका परिचय हम समझ लेंगे उत्कूल द्रव्य त्रिकाल विषय है उसमें वर्तमान जीव के द्वारा वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है उन पदार्थों को ऋजुमती पनपरियज्ञान जानता है ऋच्छुमति मनपर्यक्यान वर्तमान में जो हो रहा करंटली उसी को वो जान सकते हैं विपुलमति ज्ञान भूत भविष्यत को भी ज्ञान त्रिकाल ज्ञान को विपुलमति बिकॉज़ विपुलमति इज़ वेरी वेरी विस्तृत बहुत विस्तृत इत्यादि जाता है हिंदी नो हिंदी जो जोगादिम पेक्त्तु उजुमदि ओदि निरवक, निरवेक विवलमदी वो वो नेमेन Again, contrast, अपने तथा पर मन के अपेक्षा से उत्पन्न होता है और वर्तमान में विचार प्राप्त स्पर्शनादि के विषयों को जानता है सो इट इज यूजिंग इंद्रियों का जो वो जो कारण है वो उसको पढ़ के अपना नहीं उनके थ्रू से वो देख के वो स्टडी करके देन उनको पूरा देख लेता है सो ये गेट्स टोटल पिक्चर ऑफ विपुलम विपुल अवधि की तरह इनके अपेक्षा बिना ही नियम से होता है इट इज वेरी वेरी प्रत्यक्ष है इंपॉर्टेंट डिफरेंस पीछे अवधि ज्ञान में हम विस्तृत उपचय के बारे में कह रहे हैं पांच शरीर के परमाणु के मध्य जो आदि गुणों के कारण उन पांच शरीरों के पुत्रों में लगे हुए हैं उनकी विस्तृत उपचय संख्या है हर बॉडी में जैसा हमारा है तीन शरीर हमारा कार्मन और शरीर में एक एक नेगेटिवली पार्टली भी से इन केमिस्ट्री नेगेटिवली चार्ज रिएंट्स होते हैं वहां पे डस्ट और अकमलेट होते हैं वैसे ही बिकॉज स्निग्ध आदि गुणों कारण देर इज अट्रैक्शन और ये जो जो पुतकल परमाणु वहाँ होते हैं कार्बन रूप में नहीं है अभी वहीं पर देंड ओवर दिस इज बिकम्स ईच वन ऑफ स्पेशल जब भी हम लोग कोई राग द्वेश करते हैं तब इससे कुछ जो है कार्बन रूप में परिवर्तन हो जाता है दिस इज पार्ट ऑफ एस कर्म या नोप कर्म के जितने परमाणु जीव के प्रदूषण के साथ बद्ध हैं उनमें से एक एक परमाणु के प्रति जीव राशि से अनंत अनंत गुणे विशेष उपचय रूप परमाणु जीव प्रदेश के साथ एक क्षेत्र रूप से स्थित हैं विश्रसा अर्थात आत्म परिणाम से निरपेक्ष अपने स्वभाव से ही अर्थात मिलते हैं वे परमाणु हैं कर्मकर्म रूप परिणाम जो उनके साथ उनके द्वारा देख स्निख्त रूप रोक कर रखते रहते हैं वे विश्व उपचय ऐसे भाव बिकॉज ये जो अवधि ज्ञान में जब पिछले देख रहे थे थर्टी अप्रैल को जो अवधि ज्ञान होता है औदारिक शरीर के विश्रत उपचय कर्म के साथ देखते हैं या कर्म कर रहे देखते हैं करके हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इज ए वेरी लार्ज क्वान्टिटी वेरी रियली पुतकल वर्गना क्लाउड है उसको साथ देखना और उसके बिना देखना बिकॉज उसके बिना देखना में सवधि ज्ञान का क्या शक्ति ज्यादा है रिजुमति का विषय है अपने मन के द्वारा दूसरे के मानस को जानकर काल से विशेष दूसरे की संख्या जैसे शस्त्र संज्ञा शब्द कला स्मृति अतीत काल दृष्टि दृष्ट श्रुत व अनुभूत विषय मति अनागत काल विषय चिंता वर्तमान काल का विषय इन सब को तथा उनके जीवित मरण लाभ अलाभ सुख दुख को तथा नगर देश जनपद खेत करवट आदि के विनाश को तथा आदि वृष्टि अनावृष्टि सुवृष्टि दुर्वृष्टि सुभिक्ष दुर्भिक्ष क्षेम क्षेम भय और रोग रूप पदार्थों को भी प्रत्यक्ष जानता है ऋचुमति सो so, यहाँ पे तीनों कालों को दे रहे हैं ये धवला षट घंटा में वेर एज बेन बी सी कोमट सार में थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया ये तो हमने कर लिया था सो सॉरी सो ऋचुमति में कैसा ज्ञान उपयोग वो क्रम क्या वट इज द प्रोसीजर प्रोटोकॉल परमनसी

अवक्र का हीगा याद होगा ईगा अवक्र का जरूरत है पतरा ईगा अवक्र ईगा अवय धारणा फॉर दैट फोर्थ फोर स्टेप प्रोसेस सेकंड प्रोसेस ईका मधिकान के द्वारा जानता है क्योंकि ईगा में ये शोस इंटरेस्ट कि अभिनिवोदक आभ, अनुसे ये जस्ट डायरेक्ट इज यू नो नॉलेज पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से रिधिमधिकान के द्वारा जानता है दिस इज अ वे रिधिमधिक वर्ष बिकॉज़ रिधिमधिक हैज गॉट लिटिल कैपेसिटी कम है विपुल प्रत्यक्ष रूप से जानता है चिंतियम अचिंत है पीछे ऐसे पढ़ा हमने चिंतित अचिंत अर्ध चिंतित इस तरह अनेक वेदों के प्राप्त दूसरे के मनोगत पदार्थों को अवधि की तरह विपुल मदि प्रत्यक्ष रूप से जानता है चिंतित मीन्स

की अपेक्षा से रूपी द्रव्य को तथा उस को भी ऋतुमति ऋजुमति और विपुलमति जकन्य मध्यम तो का समुदमति सहवे ऋचमति का जो जखन्य रूप से औतारे शरीर के निर्जयन समय प्रपत्त प्रमाण मध्य के जखन्य द्रव्य का प्रमाण है यानी के हर समय हमारे कर्म निर्जन में जाते हैं टॉकिंग ओनली कर्म अवतारी शरीर से कितना कर्म हमारा निर्जयन होता रहता है समय प्रपत्त एवरी सेकंड इंस्टेंट उसके जघन्य दैट मच उत्कृष्ट रूप से तथा छठ इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण उत्कृष्ट द्रव्य को प्रमाण है सभी पांचों इंद्रियों औदार सभी है उसकी जो समय बहुत क्वांटिटी ज्यादा है उसको देख लेता वो जकन्य रूप से हो गया उत्कृष्ट रूप से थोड़ा सा भी क्वांटिटी वो एक इंद्रिय से जो निर्जरा हो रही है उस द्रव्यम करते हैं दैट इज उत्कृष्ट बिकॉज नीड्स वेरी हाई यू नो सेंसिटिविटी

विकल्प है उसमें अनंत का भाग देने से लप्त एक भाग प्रमाण द्रुवहार मिलता है ए फैक्टर यू डिवाइड दैट बाय अनंत देन यू गेट सम फैक्टर वो द्रुवहार को रिजुमदी के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में भाग देने से जो लप्त आवे उतना द्रव्य स्कंद को विपल जकन्य रूप से जानता है लुक एट दिस यानी कि उसके उत्कृष्ट है ऋचुमती के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में हमने कहा था कोई इंद्रिय का समय समय प्रपत्त का इसमें वी टू डिवाइड फर्दर इसको कम करना है कैसे करना है जो ध्रुव हार से डिवाइड करना है जब ध्रुव हार से डिवाइड करेंगे बाघु दे, बाघ देने से वो तो बहुत कम क्वांटिटी आएगा उसका जो जगन्य जघन्य वो था विप्ल लुकअ अ स्मॉल इक्वेशन की पीछे जे जकन्या विपलम्बती का द्रव्य है या उत्कृष्ट है रिजिम्बती का द्रव्य से द्रुवाहार से डिवाइड करें द्रुवाहार इज डी दैट इज मानो वर्गनाक के अनंत बाग। अट्टनम कम्मानम समय बाबतम विविशस विविचस वो पचायम् द्रुवाहरे निगिवार द्रुवाहरे भज भजिते विधियम अवेदव सो so ये फर्स्ट को पता है सेकंड द्रव्य का इट गोस ऑन लाइक दैट बट वी कैन टेक दिस सेकंड वन विस्तृत उपचय से रहित दैट्स व्हाट आई सेड पीछे विस्तृत उपचय पहले आ गया आठ कर्मों के समय प्रपत्त का जो प्रमाण है उसमें एक बार ध्रुवहार का बाग देने से जो लप्त हावे उतना विपलम अधिक द्वितीय द्रव्य है तो दो बार हम कहते हैं आठो द्रव्य का सो समय प्राप्त निर्जरा जो हो रही है वो उसके विस्तृत उपचय से रहित ओनली दैट पर्टिकुलर द्रव्य को ध्रुव आर से पीछे जो का मनोवर्क का ध्रुव आर से डिवाइड करने से जो लपता आवे वो द्वितीय द्रव्य का प्रमाण होता है जैकने से नेक्स्ट स्टेज द्रव्यपलमति का विषय द्रव्य के अपेक्षा जगन्य रूप से एक समय में होने वाला अवधार शरीर के निर्जर द्रव्य तक को जानता है उदट भी सा उत्कृष्ट रूप से कार्मण द्रव्य के अर्थात आठों कर्म के एक समय बंदे भी समय प्रपत्त द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग तक को जानता है दट बी दिस ओनली रिविशन बिकॉज दिस इज फ्रॉम दबला क्षेत्र के अपेक्षा जगन्य रूप से कव्यूति पृथक वर्ता दो तीन कोष तक क्षेत्र को जानता है इट कैन रीच कोई वहां पे है कोई मनुष्य है उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है गनी कैन जब सी और उत्कृष्ट रूप से मनुष्य क्षेत्र के भीतर तक जानता है योजन प्रमाण तक कैन रीच काल की अपेक्षा जगन रूप से दो तीन भावों को और उत्कृष्ट रूप से असंख्या भवों को जानता है अक्सर पूछेंगे मेरा क्या होगा आगे दो तीन भाव में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा या में होगा पीछे क्या, क्या रहा ये सारे के स्टोरी के लिए ये कभी कभी भव्य जीवों को आनंदित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये मनोपरिज्ञानी करते अनुकंपा बहुत ज्यादा है विप्ल उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण असंख्यात तव्विधिहं कंपानं कप्पानम चानं च समय संकसं दुवहारेन वहरितो हो दिहु उक्कसयं दवं असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं उतने बार विप्लमति के द्वितीय द्रव्य में द्रोहार का भाग देने से विप्लमति को उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण निकलता माइकॉट सी द वे ओ फाइन इट इज हाउ कितने संयमी है मुनि महाराज असंख्यात कल्पों में असंख्यात कल्प एक कल्प में एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी मिलके बीस कोटा कोटि साक्रुम काल पर्यंत को एक कल्प कहते हैं उसमें असंख्यात कल्पों में जितना समय है उससे ये डिबेट करेंगे वो द्रव्य का उतना छोटा सा द्रव्य मिलता उसको भी वो देख लेते उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र का प्रमाण पीछे कहा उसका अगेन रिपीट हो रहा है का। जो ये यम। दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन उतना ही है लिमिट है विपुल मदि का जक निष्क्षेत्र आठ नौ योजन आठ से नौ बीच में प्रत्यक्त यूज कर दिया असल वो कह रहे हैं प्रत्य्वे तथा उत्कृष्ट मनुष्य लोक प्रमाण मनुष्य लोक का जो लो डायमेंशन है ए 45 ,000 ,000 योजन है मानुषोत्तर पर्वत तक और ऊपर नीचे हाइट में देखेंगे सुमेर पर्वत का पांडवशिला तक यानी कि वन लाख 40 योजन तक दट तो गण तो प्रदेश होता है दट एरिया का कोई भी चार परमेश्वर जा रहे होंगे या विद्यात्र जा रहा होगा

भाव के अपेक्षा ऋतु जगन्यता उत्कृष्ट विषय आवली असंख्यकमर च वरम च वरम असंख्य गुण तत्व असंख्य असख असंकुणित असंख्य लोकम तो विवल भाव के अबेक्षा से ऋतुमत का जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवली के असंख्यात्मा प्रमाण है आवली के असंख्यात्माक में जितना समय उतना पर्याय का वो देख लेते हैं से तथापि जगन्य प्रमाण से, से, से उत्कृष्ट प्रमाण जितना समय बढ़ते जाए उतना तक पर्याय को भी द्रव्य से वर्ग को भी देख लेता है और उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण असंख्या लोक प्रमाण भाव क्या कैन भी असंख्या लोक हो सकता है उसके भाव मीन पर्याय उसको वो देख लेता है और जीव का

सिद्धांत चक्रवर्ती संपूर्ण कर रहे जीव द्रव्य के, तो या के ज्ञान शक्ति के जितने अंश हैं वे यहाँ पर संपूर्ण व्यक्त हो गए हैं अतः संपूर्ण है केवल ख्या संपूर्ण है खादी कर्मों को सर्वदा क्षय हो जाने के कारण वह अप्रतिहत शक्ति युक्त है अतएव उसको समक्र कहा है इंद्रियों के सहायता की सहाय अपेक्षा नहीं रखता इसलिए असहाय केवल ज्ञान है समस्त पदार्थों को विषय करने में उसका कोई बाधक नहीं है अतः असपत्न है प्रतिपक्ष रहित कहते हैं बाधा रहित तो ऐसे केवल ज्ञान के एक ही कहता में उसका महात्म्य को उन्होंने स्तुति किया नो कमिंग टू

का प्रमाण पल्य के असंख्यात्वाद प्रमाण कितने जीव है चारों गति में यानी कि पल्ले से असंख्यात बाग में डिवाइड करेंगे जो नंबर मिला का वो तो लोग हमेशा रहते हैं वी डू नॉट नो व्हाट इज पल्ले का क्वांटिटी असंख्य को पता नहीं बट दैट इज व्हाट इज सेट उसमें काफी लोग मध्य श्रोता यानी है चारों गतियों में माने पर वाले कुल संख्या आते हैं वेरी लिमिटेड नंबर्स वी दी बी ब्रीडिंग समयम मार्ग में पढ़ेंगे उसको बहुत कम लोग हैं तथा केवल का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक क्योंकि केवल सयोग केवल की बात हो रही है सहयोग केवल के हम देखेंगे सहयोग अयोग केवल दोनों मिलके केवल भगवान है इसलिए सिद्ध राशि से कुछ अधिक है क्योंकि केवली भगवान अभी भी सशरी विराजमान है

अवधि ज्ञान को राशि संख्या बिकॉज मनुष्य ज्यादा नहीं है इन दो राशियों को मधि ज्ञानियों के प्रमाण से घटाना पर जो शेष है उतना ही अवधि ज्ञानी का प्रमाण है so, ऐसे उन्होंने बता दिया so, पल्ला संक गणकुल पदम आई एम नॉट एबल टू फर्स्ट लाइन सो ना कि वे कदि वे, चादिकर्थी वे वे बंक परिमाण पल्ले के असंख्यात्मक बाग से कुणित घनांगुल के जगत श्रेणी गुना करने से जो राशि उत्पन्न वो उतने तिरंच संख्या तिरंच है तिरंच कितना है पल्ले के असंख्यात बाग में करके बाग से गुणित घनांगुल का जनक जगत से गुना करना है जगत श्रेणी सात रज्जु सात राज्यों का आप प्रदेश में कन्वर्ट करना है घनांगुल का भी प्रदेश में कन्वर्ट करना है और इससे पल्ले के असंगत बाग से उन्हें करना सो यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल बहुत बड़ा नंबर है तिरंश का संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि त्रंश में सारे आते हैं एक से लेके पंचेत्री तक तिरछ आते उसके कंपेरिटिवली मनुष्य है घनांगुल के द्वितीय गुण जगत श्रेणी प्रमाण ना नारक नार की बात कहेंगे के द्वितीय वर्गमूल यानी कि गनांगुल को यू वर्गमूल लेना स्क्वायर रूट अगेन स्क्वायर रूट का वो जो नंबर आएगा उसे जगत श्रेणी से हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके नारिग के प्रमाण मिलता है तो इसमें हमें सम्यक दृश्यों घटाना होगा और तथा सम्यक दृश्यों के प्रमाण से रहित सामान्य देव राशि इन चारों राशियों के जोड़ने से जो प्रमाण हो उतने विभंग है सो so, सम्यक दृश्यों के प्रमाण से देव राशि लाइक दैट ये चारों को जोड़ने से हमें इसमें घटाने से सम्यक दृष्टियों को घटाने से बाकी रह जाता है वो सारे विभंग बिकॉज विभंग का नंबर बहुत ज्यादा है सन्नान राशि पंचिक या सर्व जीवरासीहु मतिसुदान्नाणीनम पत्येम बोधि परिमानम पांच सम्यग्ज्ञानी जीवों को प्रमाण को दैट इज केवलियों के, के प्रमाण से कुछ अधिक हैं संपूर्ण जीवराशि के प्रमाण से घटाने पर जो शेष रहे उतने कुमति ज्ञानी तदा उतने उस्र ज्ञानी होते हैं दे फाउंड इट वेरी इजी टू डू इट बिकॉज़ इनके संख्या बहुत ज्यादा है इसको I try to get it from the shotgun diagram. अभी I want to summarize shotgun diagram में सातवां पुस्तक में ये सेकंड सूत्र से 11 में से क्या आगे इधर सात सूत्र मार्गना ना ज्ञानी देखेंगे बहुत कम है संख्या मात्र हैं अवधि ज्ञानी असंख्य गुण है दैट इज मन पर ये ज्ञानी सा असंख्य गुण है गुणा का पल्लियों के असंख्यात्वाद बाग उसको मल्टीप्लाई करना है। मध्यश्रुत ज्ञानी विशेष अधिक है दैट इज जो अवधि ज्ञानी से जो उससे और भी मल्टीप्लाई करने से वह असंख्य परस्पर तुल्य है यानी कि यू हैव टू ऐड मोर और विभंग ज्ञानी असंख्य को नहीं दैट इज गुणकार जगत प्रतर डिवाइडेड बाय असंख्या जगत प्रतर मीन्स सेवन इंटू सेवन जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इज एरिया उतना जो स्पेस पॉइंट है प्रदेश है उसका असंख्या डिवाइड करने से उतना विभक्क जाने भरे हुए केवल ज्ञानी आप अनंत आन, गुण हैं और बिकास ज्ञानी अज्ञानी मध्यश्रुत ज्ञानी भी अनंत गुणे है केवल अज्ञान अनंत गुणे विकस शुद्ध ब्रह्मेश को लिया जा रहा है तो so, इसके साथ मैं आप लोगों को तैस करना चाहता हूँ काफी मल सिद्धेर अफिभा सुबोध है प्रभव दिशा अच्छा है शास्त्र हस्तस्य च उत्पत्तिर आपतात यदि भवसित पूज्यस्तत् प्रसादः सुमुच्य नहि कृतम उपकारं साधवः विस्मरन्ति श्राय सो नॉट फॉरगेट इट टू रिमेंबर दिस सो द परंपरा अक्षर मात्र पदस्पर येनं व्यंजन संधि विवच्छित रेबं साधु वीरत्र मम क्षविदद्म कोनो देवस्य शास्त्रस्य ये बड़े-बड़े शास्त्र बड़े, बड़े साधु लोग भी ये सो उनसे गड़बड़ हो जाता है अक्षर मात्र पदस्वर व्यंजन आगे पीछे एरर हो जाता है इसलिए आप लोग से मैं ये क्षमा याचना करता हूं। और त्रुटियों का आप लोग क्षमा करें और आई वॉन्ट टू थैंक द जे एंड द स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट दूसरा है और उसके संबंधित डॉक्टर भंडारे साहब पोकन्ना साहब या अन्य अन्य लोगों का सभी को मैं सादर प्रणाम जय जिने Thank you. One I put a, a disclaimer speech speech that speech. I did nothing, no original. I want to read. I have no original contribution <laughs> this presentation, except some interpretation. This is a common one, kind of interpretation. There's no internet copyright transcriptions, all material cited here for education, non-community purpose. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for the patient hearing. I hope I'm hope I within time. Uh, time hai Aray, bhai sahab, thank you so much नहीं तो दो before lagaya. we start sir before we start for questions I have some emails I hope you all have received my mail regarding our uh, AGM meeting annual general meeting will be on first of July so all are requests to join और नोमिनेशन का भी एक मेल किया था तो उसके लिए और वर्क रिपोर्ट वो सब भेजेंगे तो अच्छा रहेगा वी तो कैन फिनिश ऑल ऑन टाइम